हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ ठीक है एंड खुश है। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कैसे आप आपका घर में बैठे बैठे आपका आईब्रोज को शेप दे सकते हैं। आईब्रो शेप लड़के लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसके लिए आपको ये टोटल ये घरेलू प्रोसेस है, इसके लिए आपको तो ज़्यादा चीज़ का ज़रूरत नहीं है। और चाहे इस तरह से एक थ्रेड, और अगर पार्लर में जो थ्रेड यूज करते हैं वो मिल जाए तो अच्छा है, अगर वो भी नहीं मिले तो इस तरह से थ्रेड यूज कर सकते हैं, आप आपका काम चला सकते हैं। और चाहिए इस तरह से एक चीज़, इसको बताने में क्या बोलते हैं, चिमटा जैसा, और हम लोग बंगाल में इसको चिमटा बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो। एट फर्स्ट आपका बालों को एक इस तरह से हेड बैंड लेके सिक्योर कर लेना है, इसके लिए आप क्लचर का भी हेल्प ले सकते हैं। उसके बाद लेना है वो चिमटा, जिसके मदद से आप जो जो लोअर पर्सन में आईब्रोज को लोअर पर्सन का जितना सारा छोटा छोटा हेयर है उसको निकल देना है। जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम करते हैं उन लोगों को तो थोड़ा पेन होता है, बट जिन लोगों ने हमेशा करते हैं तो उन लोगों का इतना कुछ पेन वगैरह दर्द नहीं होगा। इसके मदद से आप लोअर पोर्शन या अपर पोर्शन में भी जितना सारा छोटा छोटा हेयर है आप इजीली इसको निकल सकते हैं विदाउट एनी पेन। ये बहुत ही हेल्पफुल है। उसके बाद लेना है थ्रेड, उसको थोड़ा जस्ट छोटा सा एक पार्ट करके उसको एक साइड लेके बाइंड कर लेना है। बाइंड करने के बाद ठीक हाथों को मैं जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ जस्ट ऐसे करके इसको सर्कल जैसा बना लेना है। जस्ट फिंगर का क्रिस क्रॉस जैसा मोमेंट करके आप इजीली आपका जो अपर पार्ट में आईब्रोज का जो अपर पार्ट में जितना सारा हेयर है वो आप पर निकल सकते हैं। इसके इसी टाइप से आप आपका फोरहेड का या कि अपर लिप्स का बाल भी इजीली रिमूव कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं कितना चेंजेस हुआ है दोनों आईब्रोज के अंदर। एक जिसको मैंने बनाई हूँ और एक आईब्रो जो मैं दिखाई नहीं हूँ, मैं यहाँ पे एक ही आईब्रोज दिखाऊंगी क्योंकि दो अगर दिखाने जाऊँगी तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। आप एक बार ज़रूर घर में ट्राई कीजिए, आशा करती हूँ अच्छा ही लगेगा।